हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 से एग्जांपल नंबर 13। क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर। तो मैंने 11, 12 जो क्वेश्चन कराया है वो भी सेम ही क्वेश्चन है, एरिया फाइंड करना है। तो 11 क्वेश्चन में मैंने अलग मैथड लिया है, फॉर्मूला लिया है। 12 क्वेश्चन में मैंने अलग मैथड लिया है, तो आप वो दोनों वीडियो देख लेना। दोनों में से जो भी मैथड आपको ईजी लगता है उससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो मैंने जो 12 क्वेश्चन में मैथड सॉल्व कराया अरेंज करके, मैं उसी मैथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल पी क्यू आर, पी इज -1.5, 3, क्यू इज 6, -2 एंड आर इज -3, 4। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसमें हम अरेंज करने के और एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू 1/2। आपको यहाँ पे क्या करना है, ये हमारा, इसको हम x1 y1 ले लेते हैं, इसको हम x2 y2 और ये हमारा हो गया यहाँ x3 y3। तो आपको अरेंज करना है इस तरह से x1 x2 x3 अगेन x1। फर्स्ट और लास्ट टर्म आपकी क्या होगी, यहाँ पे सेम रहेगी। नेक्स्ट इज y1 y2 y3 एंड y1। फिर हमें इनको क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये 1/2, x1 यहाँ पे है -1.5, x2 इज 6 और यहाँ पे देन x3 हमारा यहाँ पे कितना है 4 और लास्ट में हमारा x3 हमारा यहाँ -3 है। ये तो हमारा y3 है, तो x3 हमारा यहाँ -3 हो गया और लास्ट में x1 अगेन -1.5। ओके, फिर मैं y1, तो y1 इज 3, y2 इज -2, y3 इज 4 और अगेन y1 इज 3। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम रहती है। अब आपको क्या करना है, इनको मल्टीपल करना है। तो जो एरो ऊपर से नीचे आ रहे हैं वो प्लस साइन के साथ आएंगे और जो एरो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे वो नेगेटिव साइन के साथ जाएंगे। तो पहले हम प्लस वाला लिख लेते हैं 1/2, पहले -1.5 मल्टीपल होगा -2 से और साइन प्लस आएगा, या इसका भी साइन प्लस। फिर 6 मल्टीपल होगा 4 से, अगेन प्लस साइन। फिर -3 मल्टीपल होगा 3 से। तो ये तीनों ऊपर से नीचे जो एरो जाएंगे उसमें पॉजिटिव साइन रहेगा। अब जो एरो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं उनके आगे हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो ये अरेंजमेंट है, आपको इसमें कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, बस इसी से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन आएगा हमारा नेगेटिव और नंबर आएगा यहाँ पे 3 × 6। फिर अगेन साइन नेगेटिव, -2 × -3, फिर अगेन नेगेटिव साइन और यहाँ पे आ जाएगा 4 × -1, यहाँ नीचे लिख लेते हैं -4 × -1.5। ओके, तो ये इसको अब हमें सिर्फ सॉल्व करना है। तो इसमें क्या होगा, आपके कैलकुलेशन मिस्टेक, फॉर्मूला याद नहीं रखना, अरेंजमेंट को याद रखोगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 1/2 1/1 साइन सॉल्व करते हैं, -(-) क्या होता है प्लस और 1.5 × 2, तो हम यहाँ साइड में मल्टीपल करके देख लेते हैं। 5 × 2 10 का 0 कैरी 1, 2 × 1 का 2 2+1 3, एक नंबर के बाद डेसिमल, तो एक नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा तो नंबर 3 आ गया। फिर प्लस 6 × 4 24 हो गया, +(-) हो गया, 3 × 3 यहाँ पे हमारा हो गया 9। उसके बाद -6 × 3 हमारा यहाँ हो गया 18। फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखो, यहाँ 3 माइनस के साइन है तो -(-) प्लस हो जाएगा, फिर +(-) यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन हमारा माइनस आएगा और 3 × 2 यहाँ पे 6 हो गया। अब हमेशा ये याद रखो, जब भी दो माइनस ऑड में है, इवन में है, ये इवन नंबर है 1 और ये एक साइन है और एक ये दो साइन है, तो और यहाँ पे जब भी इवन में होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और जब भी इसका साइन में मल्टीपल में ये यहाँ पे ऑड है, -(-) जब भी 3 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, ऑड नंबर के माइनस जितनी बार भी आएंगे वो हमेशा नेगेटिव साइन रहेगा। तो आप यहाँ पे देखो, जैसे 1 2 3 3 साइन है तो 3 है तो ऑड है तो नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे देखो इवन था, 1 एक साइन और एक ये दो दो साइन है, मतलब यहाँ पे इवन नंबर है तो ये प्लस हो गया, इवन नंबर पे प्लस हो जाएगा, ऑड नंबर पे माइनस हो जाएगा, ये हमारा हो गया। फिर यहाँ -(-) प्लस हो गया और 15 × 4 कितना होता है, 60 होता है, 15 × 4 60, एक नंबर के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो ये हमारा सिर्फ कितना आ गया, 6 आ गया। तो अब आप यहाँ पे देखो, ये -6 से हमारा +6 कैंसिल हो गया
अब यहाँ पे इसके बाद आपको क्या करना है, प्लस प्लस वाले नंबर ऐड कर लो और माइनस माइनस वाले नंबर, तो ये दोनों प्लस वाले ये ऐड होके 24 + 3 हमारा यहाँ पे कितना हो गया 27। फिर माइनस माइनस भी प्लस होगा तो 18 + 9 भी कितना हो गया 27, लेकिन साइन यहाँ पे नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है इसलिए। तो ये हमारा हो गया 1/2, 27 - 27 कितना हो गया 0, और 0 को किसी से भी मल्टीपल करो तो वो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो इसका एरिया कितना हो गया यहाँ पे 0। तो किसी भी जब भी किसी ट्राइंगल का एरिया 0 है, दैट मीन्स कि क्या है कि वो तीनों पॉइंट यहाँ पे ट्राइंगल नहीं बना रहे, वो क्या है कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट मतलब कि जो एक लाइन में हो, क्योंकि अगर एक पॉइंट थोड़ा सा भी ऊपर हो गया तो ट्राइंगल बनने की कंडीशन बन जाती है, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में, तभी इसका एरिया क्या आ रहा है यहाँ पे 0। तो जब भी आपको कोलिनियर प्रूफ करना हो तब भी हम ऐसे एरिया फाइंड करेंगे, अगर उसका एरिया 0 आता है तो हमारा यहाँ पे ट्राइंगल क्या होगा, वो ट्राइंगल नहीं होगा, वो तीनों कोऑर्डिनेट यहाँ पे ट्राइंगल नहीं बना रहे होंगे, वो स्ट्रेट लाइन में होंगे, कोलिनियर पॉइंट होंगे। तो इस तरह से आपको एरिया फाइंड करना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।